हर वर्ष की तरह से छड़ी यात्रा का जो उत्सव है बहुत खुशी के साथ सभी समुदाय सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार भी। और कल शाम को जो है गणेश पूजन होगा वैदिक मंत्रों के द्वारा, पंडित लोग करेंगे। और परसों सुबह 7 बजे से पूजन शुरू होगा और 7:45 तक पूजन संपन्न होगा। फिर उसके बाद में छड़ी को सभागृह में लिया जाएगा। सभी विशिष्ट आए हुए सभी व्यक्ति गणमान्य जन अपने अपने थोड़े विचार छड़ी यात्रा के लिए व्यक्त करेंगे और उसके बाद में ध्वजारोहण होकर के 9 बजे जो है ठीक यहाँ पर ध्वजारोहण होगा। और 9:30 बजे क्योंकि मुहूर्त के अनुसार वही समय बनता है शुभ, 9:30 बजे ठीक यहाँ से छड़ी यात्रा प्रारंभ होगी और बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए रवाना होगी। इस अवसर पर सभी पुंछवासी और भी सभी जम्मू से, सुंदरबनी से, जोरी से सब जो आ रहे हैं, सबको ये ज्ञात हो जाए कि समय पर पहुंच करके इस शुभ अवसर का लाभ लेना चाहिए। और बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए वहाँ पर फिर छड़ी यात्रा का लगभग 2:30-3 बजे के बीच में पूजन होगा और छड़ी बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर में स्थापित की जाएगी। 3 दिन वहीं पर पूजन होगा, फिर हवन पूजन के साथ में ये छड़ी का त्यौहार समाप्त किया जाएगा और भंडारे का आयोजन होगा। वहाँ पर भी पूजन हवन होगा विशेष और रक्षाबंधन के दूसरे दिन जो है वापस छड़ी दशनामी अखाड़ा पुंछ में स्थापित की जाएगी। सभी को बहुत बहुत देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं हैं। सभी के हृदयों के अंदर बहुत शुभ संकल्पों का संचार हो, भाईचारे का संचार हो, आपसी एकता हो, देश के लिए उन्नति के लिए संकल्प हो, इसी के साथ में समाप्त करते हैं। स्वामी, जिस तरह इस बार काफ़ी यात्रा है और यात्रा दिन दिन बढ़ रही है, तो और किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए यहाँ पे? देखो, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो कुछ रीज़न होते हैं, पहले भी हमने कहा था, एक बार एलजी साहब से भी बात हुई थी, कहा था कि देखो बाकी तो दूर रहा चलो, क्योंकि हम लोग जो है ट्रस्ट एक जगह नहीं है। ये यात्रा जितनी यहाँ से जा रही है वापसी पे इनका सुंदरबनी आश्रम में होता है, हम लोग को वहाँ भी प्रबंध करना होता है, रजौरी भी है, जो बीच में रह जाते हैं रजौरी वहाँ पर आश्रम में करते हैं। बूढ़ा अमरनाथ जी में भी हम लोग ने बहुत कोशिश चलो की, कोरोना के कारण थोड़ा रह गया। और एक ये भी परेशानी होती है, देखो बूढ़ा अमरनाथ जी का मंदिर का चढ़ावा है और मंदिर में खर्चने के लिए भी वो जो है उसको नहीं देते हैं, इसी कारण से जो है वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है कि मंदिर के चढ़ावे को भी मंदिर में खर्चने से रोकते हैं, तो फिर क्या डेवलपमेंट होगी, बाहर से करने वाले कितना करेंगे, ये चीज़ तो होनी चाहिए ना समझ से। बेस कैंप बनना चाहिए जिस तरह भगवती नगर में है, मतलब हाँ अच्छा है, लेकिन वैसे चलो कोशिश है हम लोग यहाँ अगले साल तक, तो इस बार की ज़्यादा यात्रा देख करके और इंतजाम करेंगे कि 5-4 हज़ार व्यक्ति का यहाँ पर प्रबंध हो जाए, कोशिश करेंगे। ये सरकार वाले भी चलो ठीक है, इस समय अधिकारी भी सभी सहयोगी हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत सरकार का भी सहयोग चाहिए होता है। फाइनेंशियली की बात नहीं है, बस काम करने में रुकावटें जो आती हैं उनको दूर करने के लिए। तो अगले साल इस यात्रा को देख करके हम भी देख रहे हैं कि बहुत ज़रूरत है हम लोग को। सुंदरवनी भी हमने देखा कि वहाँ भी ज़रूरत है, रजौरी में भी है और यहाँ भी है। और अच्छी बात है, श्रद्धालु लोग यात्री बहुत संख्या बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। लोगों को भगवान सुख संपत्ति मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है।